सो दिस वीडियो इज अबाउट हाउ टू यूज़ लिंक्डइन इफेक्टिवली। लिंक्डइन को जॉब हासिल करने के लिए हम कैसे यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करो। तुम्हारी जितनी भी एजुकेशन है, तुम्हारी जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, जहाँ तुमने जॉब करी है, जहाँ से तुमने अपनी एजुकेशन हासिल करी है, उसके बारे में प्रॉपरली बुलेट पॉइंट्स में अपने प्रोफाइल में लिखो। और एक और बात ये होता है कि जब भी कोई बंदा तुम्हारी प्रोफाइल को विजिट करता है ना, तो सबसे पहले वो तुम्हारी समरी को देखता है। अगर तुम्हारी समरी अच्छी ही लिखी हुई होगी ना, तो बंदा बाकी की चीज़ों को देखता भी नहीं है। तो समरी को कम्प्लीट करो, समरी में अपने आप को बेहतर से बेहतर डिफाइन करने की कोशिश करो। जो तुम्हारी टॉप मोस्ट क्वालिटीज़ हैं, उनके बारे में अच्छी से अच्छी तरीके से कम वर्ड्स को यूज़ करते हुए समरी में लिखो। सेकेंड चीज़ ये करो कि आर्टिकल्स लिखो। देखो ये इस वजह से मैं कह रहा हूँ क्योंकि आर्टिकल्स लिखना यानी कि नॉलेज शेयर करना, ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है दूसरों के साथ कनेक्ट करने का। जब बंदा अपनी फील्ड से रिलेटेड नॉलेज शेयर करता है ना, तो अगला खुद बंदा अट्रैक्ट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक, अगर आप मेडिकल से बिलोंग करते हो तो आप मेडिकल के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करो। अगर आप इंजीनियरिंग के बारे में से बिलोंग करते हो, इंजीनियरिंग के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करो। या अगर आप किसी और फील्ड से बिलोंग करते हो तो उसके बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन शेयर करो। और नॉलेज शेयरिंग या इंफॉर्मेशन शेयर करना, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है दूसरों के साथ कनेक्ट करने का। तीसरी चीज़ ये करो कि जितने भी तुम्हारे रेलेवेंट लोग हैं ना इंडस्ट्री के, जो तुम्हारी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, जो तुम्हारी फील्ड से बिलोंग करते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करो। ठीक है, और कोशिश ये करो कि उनके साथ एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप कायम करो। प्रोफेशनल रिलेशनशिप से मतलब ये होता है कि उनसे उनके एक्सपीरियंसेस जो है ना वो मालूम करो, उनसे उनसे गाइडेंस लो, उनके बारे में उनसे जो है वो पूछो कि फील्ड के बारे में पूछो अपनी, या फिर उनके बारे में कोई और जनरल जो है वो सवाल करो। कभी भी जो होता है ना, डायरेक्टली उनको हरगिज़ ये मत कहना कि सर हमारी जॉब लगवाते हैं। हम लोग सबसे बड़ी गलती पता है क्या करते हैं लिंक्डइन पे, हम लोग जब किसी हायरिंग मैनेजर को, एचआर मैनेजर को, या फिर हम किसी अगर रिक्रूटर को ऐड करते हैं, या अगर हम किसी सीनियर को ऐड करते हैं, सबसे पहले हमारी ये करते हैं कि हम उसको मैसेज कर रहे होते हैं कि सर हमारी जॉब लगवा दें, और हम लोग अपनी सीवी और रिज्यूमे उनको सेंड कर देते हैं। मतलब एक बंदा अननोन है, वो क्यों हमारी जो है वो जॉब लगवाएगा। कोशिश ये करो, लिंक्डइन का सबसे असल मकसद यही है कि हमें एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप कायम करनी है। अगर कोई हायरिंग मैनेजर है, हायरिंग मैनेजर से ये पूछो कि सर इंटरव्यू टिप्स के बारे में पूछो, उनसे अपनी सीवी के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करो, सीवी जो है उसे रिव्यू करवाओ, और एक से प्रोफेशनल रिलेशनशिप कायम करने की कोशिश करो। जब एक तुम्हारा प्रोफेशनल रिलेशनशिप बन जाता है ना, फिर उसके बाद जो है ना उनसे पूछो कि सर अगर आपके पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है तो वो बताएं, और यकीन जानो वो तुम्हें रेफ़र करेंगे। ठीक है, ऐसे कोई किसी को रेफ़र नहीं करता। तो एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करो, अच्छे जो है वो आर्टिकल सीखने की कोशिश करो, और लिंक्डइन को जो है ना थोड़ा बहुत टाइम दो। जितना टाइम फेसबुक को देते हो ना, उससे 10 गुना टाइम जो है वो लिंक्डइन को दो। आहिस्ता आहिस्ता जो है वक्त लगता है। याद रखना, लिंक्डइन के ऊपर तुम अपनी एक पर्सनल ब्रांड बना रहे हो, तुम अपनी इमेज जो है वो लिंक्डइन के ऊपर बना रहे हो। ऐसी कोई चीज़ जो है वो शेयर नहीं करना कि जिससे तुम्हारी इमेज जो है वो डाउन हो जाए, क्योंकि लिंक्डइन के ऊपर हर जगह रिक्रूटर्स मौजूद होते हैं। तो लिंक्डइन जो है ना, उसका असल मकसद है एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप कायम करना। उसको जो है वो कायम करो, अपने नेटवर्क को जो है वो बढ़ाओ, और कोशिश ये करो कि अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करो। लिंक्डइन जो है तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है, तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं बढ़ सकते हैं, तुम्हारी और स्किल्स जो है वो बहुत सारी बढ़ सकती हैं। बस को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करो, और जितना इसको वक्त दोगे उतना तुम्हारे लिए हेल्पफुल साबित होगा। थैंक यू।